गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कल सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, आज हम लोग चलेंगे सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, शायद सब कुछ समझ में आएगा। आप सेट थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत नया है, 2009 से पहले के सिलेबस को देखा जाए तो ये चैप्टर 9th क्लास में ही दे दिया था, लेकिन 2009 के बाद जब सिलेबस में चेंज आया तो ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 11th में आ गया। तो सेट थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय सिद्धांत। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के लिए बेस का काम करता है। एक तरह से मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को सीखने के लिए छोटा छोटा चीज है। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए आपको अ को ख पढ़ना पड़ता है, मात्राएं पढ़नी पड़ती है, हर्षिकार, आकार, दीर्घिकार, ये सारा। आइए समुच्चय सिद्धांत। सबसे पहले सर हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, ये समुच्चय आखिर होता क्या है? समुच्चय, समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए समुच्चय का, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, बस और कुछ नहीं। अगर हम इसका लिटरली मीनिंग ले शाब्दिक अर्थ, तो समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संग्रह। संग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बोलो? कलेक्शन। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संग्रह। संग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। अच्छा सर, कलेक्शन किसका करेंगे? कोई चीज का ही ना जी, किसी वस्तु का संग्रह करेंगे। यानी समुच्चय क्या है? कलेक्शन है सर, किसका? वस्तुओं का। समुच्चय क्या है सर? वस्तुओं का संग्रह है। इसका मतलब सर एक चीज तो यहाँ से पता चला, समुच्चय की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो क्या बोलेंगे? वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। नहीं, गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगा, ये अधूरा। वस्तुओं का संग्रह तो होगा, लेकिन क्या हमको अगर किसी वस्तु का संग्रह करने के लिए कह दे तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं? जैसे कह दिया 11th क्लास में पढ़ने वाले लड़कों का संग्रह। यस सर, इसकी परिभाषा काफी अच्छे तरह से दी जा सकती है कि सर जिस बच्चे का 11th क्लास में एडमिशन है वो बच्चे 11th क्लास के हैं, तो हमको सेलेक्ट करने में परेशानी नहीं होगी। यानी जिस वस्तुओं के कलेक्शन में, जिस वस्तुओं को कलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन में कोई परेशानी ना हो, उस वस्तुओं के कलेक्शन को आप क्या कहोगे? सेट। फिर से समझिए, कोई वस्तु है सर, उस वस्तु, जैसे आपको कह दिया काले कुत्ते का संग्रह, तो जितना भी कुत्ता काला होगा, इसका रंग काला होगा, उसी को क्या कहेंगे सर? कुत्ते। तो वस्तु जो होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक। आप जिस वस्तु का कलेक्शन कर रहे हैं ना, जिस वस्तु को इकट्ठा कर रहे हैं ना सर, वो वस्तु जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी उसके सिलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कह दिया सर मोटे लड़कों का संग्रह, तो मोटापा का तो कोई स्केल नहीं है सर कि हम किसको मोटा कहेंगे, तो इसलिए पतले लड़के का संग्रह, कोई किसी के लिए सर राम पतला है, अब राम से भी पतला कोई आ गया सोनू या फिर श्याम, तो श्याम जो है सर, श्याम क्या हो जाएगा? राम के सामने ज्यादा पतला हो जाएगा, यानी श्याम के सामने राम क्या हो जाएगा? मोटा। तो पतला का या फिर मोटा का इस संसार में कोई डेफिनेशन नहीं। कर या आपके क्लास के तेज छात्रों का संग्रह, सर तेज छात्र की तो कोई परिभाषा नहीं है कि हम तेज छात्र किसको कहेंगे? तो जिस वस्तु का कलेक्शन कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब सर वस्तुओं के पहले एक और वर्ड आ गया, क्या? सुपरिभाषित। तो किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कर दिया सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह, इंडियन क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन, क्या ये सेट है सर? बिल्कुल सेट है, क्योंकि सर इंडियन क्रिकेट प्लेयर कौन है? जो इंडिया के तरफ से खेलता है सर। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इंडिया के तरफ से खेलता है वो सारा क्या हो गया? इंडियन क्रिकेट प्लेयर हो गया। आइए सेकंड नंबर, कह दिया सर आपको सिक्स क्लास में पढ़ने वाले सभी लड़कियों का संग्रह, सिक्स में, सिक्स क्लास में पढ़ने वाले सभी लड़कियों का संग्रह, पढ़ने वाली सभी लड़कियों का संग्रह, सभी लड़कियों का संग्रह। बिल्कुल सर, वो लड़की जो सिक्स क्लास में पढ़ती है उसको हम आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके सिलेक्शन में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए जैसे तीसरा कह दिया सर, काले कलमों का संग्रह, जो कलम काला है सर, रंग को हम अच्छे तरह से पहचान सकते हैं ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। यानी सर जिस वस्तुओं के कलेक्शन में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आप जिसको इकट्ठा कर सकते हैं, आप उसी के समुच्चय, उसी के संग्रह को क्या कहोगे? समुच्चय कहोगे। तो काले कलमों का संग्रह हो गया सर, मैथ्स शिक्षक का संग्रह, मैथ्स टीचर्स का संग्रह, मैथ्स टीचर्स का संग्रह, ये भी सर क्या हो गया आपका? सेट हो गया। तो सेट की परिभाषा बड़ी सिंपल है सर। सेट किसको कहेंगे? सेट तो किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड क्या? सेट। ठीक, तो किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो बच्चे अभी हमने सेट का डिफिनेशन पढ़ा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, हिंदी भाषी लोग किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हम लोग देखने जा रहे हैं, और बिहार बोर्ड के छात्र प्लीज आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं इंग्लिश लिखता हूँ लेकिन उसका हिंदी जरूर बोलता हूँ, ठीक, इंग्लिश लिखता हूँ उसका हिंदी जरूर बताता हूँ, तो घबराना नहीं है, आपको सारे वर्ड का हिंदी मैं बताता चला जाऊंगा। आइए ये आपका कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय है जो कि हमारे मैथमेटिक्स में बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है, ठीक। तो आइए ये आपका क्या है सर? n है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं, n क्या है? तो n जो है सर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक दोनों लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है जी सर कंफ्यूजन में। तो n प्राकृत संख्या का क्या है सर? समुच्चय। n किसका समुच्चय है? प्राकृत संख्या। आप पढ़े होंगे कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है, और प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है? n से। बचपन में बच्चे हड़बड़ा करके बोल देते हैं प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, नहीं, प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे सूचित करते हैं? n से। ये आपका n क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय। दैट मीन्स सर n में कौन कौन आ जाएगा बोलो तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। W क्या? W है पूर्ण संख्या। अच्छा एक बात और सर, सर प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से क्यों सूचित कर दिया गया, p से क्यों नहीं सूचित कर दिया गया? तो सर प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है? n है, पहला अक्षर n है, इसीलिए प्राकृत संख्या की समुच्चय को किससे सूचित करते हैं? n से। आ जाओ अब W है ना भाई, W से सूचित किया जाता है किसको? पूर्ण संख्या के समुच्चय। किसको सूचित करते हैं? पूर्ण संख्या के समुच्चय को, W। W किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य सहित सभी गिनती की संख्या, हाँ शून्य सहित सभी गिनती की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपको ये नंबर का ठीक से नॉलेज नहीं है तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है, सम बेसिक पॉइंट फॉर क्लास 11, आप
मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। पहले उसको पढ़ लीजिए, सारे नंबर के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए सर, डब्ल्यू है सर, तो डब्ल्यू आपका क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो शून्य सहित सभी गिनती की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या का। आ जाए अब ये क्या है? ये पूर्णांक, ये क्या है? पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। ये किसका समुच्चय? पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान से देखो, पूर्णांक किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या शून्य और गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान, इस तीनों का कलेक्शन जब कर लेते हैं तो वो किसका सेट बन जाता है? पूर्णांक। किसका समुच्चय बनता है? पूर्णांक। गिनती की संख्या, तीन चीज याद रखिए, पूर्णांक में तीन चीज होता है, एक गिनती की संख्या होती है सर, फिर शून्य होता है, फिर गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान जैसे 2 का ऋणात्मक क्या होगा? -2। 3 का ऋणात्मक क्या होगा? -3। इसी तरह से तो गिनती की संख्या शून्य और गिनती की संख्या के ऋणात्मक मान, इस तीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। और इसको सूचित किया जाता है किससे? जेड से या फिर आई से। जेड से या फिर किससे? आई से। आइए इसमें कौन सब आ जाएगा सर? ये माइनस इन्फिनिटी से, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। ये आपका पूर्णांकों का समुच्चय होगा। ये क्या है सर? जेड प्लस। जेड प्लस मीन्स धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये किसका समुच्चय है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस में आपका कौन कौन आ जाएगा बोलो मेरे भाई? जेड प्लस में, जेड प्लस में आपका आ जाएगा कौन? सिर्फ क्या लिखा है? धन पूर्णांक न जी, जो पॉजिटिव है। जीरो पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल नहीं, जीरो पॉजिटिव नहीं है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। आइए सर, तो ये आपका 1 पॉजिटिव है सर। फिर कौन पॉजिटिव है भाई बोलो? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर हो गया, धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। चलो मेरे भाई, क्यू से किसको इंडिकेट किया जाता है? परिमेय संख्या के समुच्चय। क्यू से? परिमेय संख्या के समुच्चय को, इंग्लिश में क्या? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का समुच्चय। चलो मेरे भाई, तो क्यू में तो आप जान रहे हैं, क्यू में कौन आ जाता है? पी वाई क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सके ना, इसको पी वाई एक्स सच दैट एक्स एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू के फॉर्म का जो भी संख्या होता है उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या के समुच्चय को हमेशा किससे? कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है, बड़ी क्यू से। आइए फिर क्यू प्लस है सर, क्यू प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या हो गई? धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय। जो पॉजिटिव है सर उसको क्या कह देंगे सर? धनात्मक परिमेय संख्या। फिर सर आर से किसको सूचित किया जाता है? वास्तविक संख्या के समुच्चय को, रियल नंबर, आर फॉर रियल, वास्तविक संख्या के समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये आपका क्या हो गया सर? रियल नंबर। फिर यहाँ आर प्लस है तो आप अब आप खुद बोल सकते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये क्या है बोलो भाई? धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। फिर सर आपका सी है, सी क्या है? ये सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर। लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या, आपके 11th क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का समुच्चय। ये आपका सारा इम्पोर्टेंट सेट्स है जो कि मैथमेटिक्स में बार बार यूज होते रहता है,
तो n से किसको प्राकृत संख्या का समुच्चय इंग्लिश में बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर w है पूर्ण संख्या का समुच्चय सेट ऑफ होल नंबर। z है पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर है z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर है परिमेय संख्या का समुच्चय सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर है धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फिर है वास्तविक संख्या का समुच्चय सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर है धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर सी है सी से कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को सूचित करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्लीज आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।